Assalamualaikum students, how are you? Hope you all are fine and safe at your homes. उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे. Now we will start our today's lecture. This is our maths book. तो आज हम लोग maths की book पे काम करेंगे, देखेंगे कि कैसे करना है. Now please students open your maths book. Today's our lecture is about more and few. आज का हमारा लेक्चर है मोर और फ्यू के बारे में. ठीक है, मोर कहते हैं ज़्यादा को, मोर किसे कहते हैं ज़्यादा को, एंड फ्यू फ्यू कहते हैं चंद को, कुछ. ठीक है ना. अब ये आपको एक जार नज़र आ रहा होगा पिक में, इसमें मोर पिक्स मोर फिशेज हैं. ठीक है, ज़्यादा फिश है. और दूसरा आपको एक और जार नज़र आ रहा है, उसमें है फ्यू फिश, फ्यू यानी कि चंद. ठीक है ना. अब आपको पता चल गया होगा मोर किसे कहते हैं, मोर कहते हैं ज़्यादा को, और फ्यू किसे कहते हैं चंद को. ठीक है, तो नाउ आवर क्वेश्चन इज सर्कल एंड कलर द सेट. सर्कल करना है और कलर करना है आपने सेट को. इन ईच रो दैट शोज मोर, एक लाइन में आपको जो चीज़ें ज़्यादा लग रही हैं आपने उनको करना है, सर्कल भी और कलर भी. अब देखिए ये ऑस्ट्रिच बने हुए हैं. अब यहाँ पे आपको आपने मोर को करना है. ठीक है ना, ज़्यादा को. आपको इस पिक में मोर ऑस्ट्रिच नज़र आ रहे हैं या इस पिक में, ज़रा मुझे बताएं आप सब, कौन सी वाली पिक में आपको नज़र आ रहे हैं मोर? दिस वन. चले, अब आपने इसको सर्कल भी करना है, ऐसे सर्कल द पिक एंड कलर द पिक्स. ठीक है, इसमें आपने ऐसे करके कलर करना है इन सब में, जो आपके मोर वाली पिक्स हैं उनको. ये देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चला कि ये मोर है और ये फ्यू है. चले आए हम लोग आपको ये भी बताते हैं कि आपको कैसे पता चला कि ये मोर है और वो फ्यू है. चलें काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5. इसमें 5 ऑस्ट्रिच है, जबकि दूसरी सेकंड पिक जो है उस पर काउंट करें 1, 2, 3 ऑस्ट्रिच है. ठीक है ना. अब मुझे बताएं कि 5 जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं या 3? 5 ज़्यादा होते हैं ना. इस तरह चले आए हम लोग इनको काउंट भी करते हैं साथ साथ. ठीक है, आपने काउंट किया ना अभी, तो आपको समझ आ गई कि जो ज़्यादा होते हैं उनको क्या कहते हैं, मोर, और जो कम होती हैं चंद चीज़ें होती हैं उनको क्या कहते हैं, फ्यू. ठीक है, ये ऑस्ट्रिच मोर ऑस्ट्रिच से इसलिए हम लोगों ने इनमें कलर कर दिया. ठीक है, और सर्कल भी कर दिया साथ साथ. आप देखिए नीचे वाली रो पे आइए, इधर डॉग्स बने हुए हैं, इनको भी हम लोग काउंट करते हैं. ये काउंट कीजिए मेरे साथ, लेट्स काउंट विद मी, 1, 2. यहाँ पे कितने डॉग्स हैं? 2. और अब सेकंड पिक को देखते हैं और काउंट करते हैं. चलें लेट्स काउंट विद मी, 1, 2, 3, 4. कितने डॉग्स हैं इसमें? 4. कितने डॉग्स हैं? 4. ठीक है ना. तो अब इनमें से मोर कौन से हुए डॉग्स का पिक, ये वाली या ये, आप बताएं जरा मुझे सब बच्चे. जी हाँ, दिस वन. तो अब हम लोग इस पिक को सर्कल भी करेंगे और कलर भी करेंगे. चले देखें, ऐसे आपने इस पिक को पहले सर्कल करना है और फिर इसमें कलर्स करने हैं. ठीक है, कलरिंग आराम आराम से कीजिएगा ताकि बाहर कलर्स ना जाएं. इस तरह आप लोगों ने कलरिंग करनी है कि कलर्स बाहर नहीं जाएं. ठीक है ना, आराम आराम से कलर्स कीजिएगा, नीट नीट कीजिएगा ताकि अच्छी आपकी बुक लगे. कोई आपकी बुक देखे तो कोई ये ना कहे कि इतनी गंदा काम किया है. ठीक है ना. चलिए अब देखिए लास्ट वाली हम लोग लाइन पे आते हैं. लास्ट हमारी जो रो है उसमें कैट्स बने हुए हैं.
अब हम लोग चले आए, पहले इनको काउंट करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि इन पिक्स में से कौन सी पिक्स में मोर कैट्स हैं और कौन सी पिक में फ्यू कैट्स हैं। चले नाउ लेट्स काउंट विद मी, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसमें कितने कैट्स हैं? 5। सब बच्चे बोले 5। ठीक है, चले आए अब हम लोग सेकेंड पिक को काउंट करते हैं। इसमें हम लोग चेक करते हैं कि इसमें कितनी कैट्स हैं। चले लेट्स काउंट विद मी, 1। सब बच्चे बोले ना, 1, 2, 3, 4। अच्छा, इसमें 4 है और इसमें 5 है। अब आप मुझे बताएं इन दोनों में से कौन सी पिक में मोर कैट्स हैं, दिस वन और दिस वन। जी हाँ, इस वाली पिक में मोर कैट्स हैं। चले ठीक है, अब इसको आप पहले सर्कल कीजिए ऐसे। गुड, नाउ कलर दीज पिक, कलर कीजिए। आप आराम आराम से कलर करें, जल्दी करने की नहीं है, आराम आराम से कीजिए ताकि नीट नीट कलर हो, कलर बाहर ना जाए। ठीक है ना, ऐसे आराम आराम से कलर्स करें। हमेशा जब भी आप कलरिंग करते हैं पिक्स में तो पहले आप उसकी आउटलाइन ड्रॉ कर लिया करें। जब आप आउटलाइन पे कर लेते हैं ना कलर, तो फिर आपकी पिक्स से बाहर कलर नहीं जाता। ठीक है ना, ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता तमाम कैट्स को आपने कलर करना है। आप लोगों ने अपनी पूरी कोशिश करनी है कि कलर्स आपके बाहर नहीं जाए। ठीक है, अच्छा आज का आपको लेक्चर समझ आ गया? अब आपने अपने घर में भी प्रैक्टिस करनी है। कैसे? जैसे आप कुछ चीज़ अपनी एक प्लेट, दो प्लेट्स ले लीजिए, उसमें चीज़ें एक जैसी रख दीजिए, सेम कुछ में ज़्यादा रख लीजिए, कुछ में कम रख लीजिए, और फिर आप है ना अपने छोटे बहन भाइयों से पूछिए कि इनमें से कौन सी प्लेट में फ्यू थिंग्स हैं और कौन सी प्लेट में मोर थिंग्स हैं, ताकि आपको भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए अच्छे तरीके से, और छोटे बहन भाइयों के साथ भी आप लोगों का अटैचमेंट रहे। ठीक है ना, आप खेल ही खेल में बहुत सा अच्छा सा ये आप सीख सकती हैं। ठीक है, नाउ आवर ट्यूजडेज लेक्चर इज फिनिश्ड नाउ। तो अब आप लोगों ने कल तक मुझे ये काम करके सेंड कर देना है। टाइमिंग्स तो आपको पता ही है कि 9 से 12 बजे के दरमियान आपने ये अपनी होमवर्क को सेंड करना है। ठीक है, ओके, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।